प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, सभी आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए मैं मैसेज लेके आई हूँ, और आपकी लाइफ में सडनली कुछ चेंजिंग हुए हैं और बहुत, यानी कि सभी के लिए वो चेंजिंग बहुत पॉजिटिव हैं और सब बहुत खुश हो रहे हैं। कुछ आपने अचीव किया है, आई डोंट नो क्या आपके लाइफ में हुआ है, मतलब कुछ न्यू स्टार्टिंग हुई है, कुछ न्यू चेंजिंग हुई है, बट आप उसको लेकर के खुश नहीं हैं, आप उसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हैं, या फिर आप कुछ ये फील नहीं कर पा रही कि ये जो हुआ है वो ये सही नहीं है, आपको ये सही नहीं लगा, या फिर आप जो चाह रहे थे ऐसा नहीं हुआ और हुआ कुछ अलग है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन, आप थोड़ा सा उसे एक्सेप्ट करें और उसमें इंजॉय होना सीखें, क्योंकि जो खुशियाँ आपको दी गई हैं या जो कुछ आपकी लाइफ में अचीव हुआ है और वो यूनिवर्स की वजह से हुआ है, तो अभी आपको उसमें इन्वॉल्व होना है और आपके लिए जो आपने चाहा है, जो आपने मांग की है, वो आपको बहुत जल्दी उसी रास्ते पे चलते हुए मिलने वाला है। और कुछ डिवाइन फेमिनिन इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में है, यानी कि उनको नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एक तरह से घेर रही है, वो ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, बहुत ज़्यादा वरी कर रही हैं और अपना पास्ट को लेकर के या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही हैं और नहीं समझ पा रही हैं, और वो एंजल से, यूनिवर्स से क्लियरिटी चाहती हैं, बट आपको वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है। जैसे आपको ये रियलाइज़ होने लगा है कि जैसे आपकी कोई हेल्प नहीं करना चाह रहा है और ना ही कोई आपको कोई साइन मिल रहे हैं और ना आप उस चीज़ को ठीक से समझ पा रही हो कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है आपके साथ। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन, आप थोड़ा सा अपनी ओवर थिंकिंग कम करें और उसके बाद ही कुछ डिसीज़न ले पाओगे या फिर इस एनर्जी को समझ पाओगे, या फिर आप गॉड या एंजल्स के मैसेज जो आपको मिल रहे हैं, जो साइन आपको मिल रहे हैं, उनको आप समझ पाओगे और उनको डिकोड कर पाओगे। बट ऐसा आप हो नहीं पा रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वरी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हैं। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से बचने के लिए आपको करना क्या है, मैंने पहले भी बताया है, मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं ये आपको बहुत पहले ही आपको अवगत करा चुकी हूँ कि ये जो टाइम रहने वाला है, ये मंथ का, इस टाइम पर नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी दोनों हायर सेल्फ से रहने वाली हैं, इसलिए इन दोनों एनर्जियों में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को सेलेक्ट करना है। नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है और ना चाहते हुए भी आपके रास्ते में कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके वजह से आपका दिल और दिमाग दोनों ही एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट रास्तों पे चलने लगेगा। यानी कि दिल आपका कुछ कहेगा, आपकी सोल आपसे कुछ और कहना चाहती है, बट आपका लॉजिकल माइंड बहुत कुछ आपको दिखा रहा है, बहुत कुछ आपके सामने इमेजन लेके आ रहा है, लेकिन आप उसी के बीच में फंस रही है। यानी कि आप समझ नहीं पा रही हैं जो आपका लॉजिकल माइंड आपसे कह रहा है वो सही है, या फिर जो आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, या वो सही है। तो इन दोनों के बीच में आप कसमकस में फंसे हुई हैं और इस चीज़ की वजह से आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही हैं और एक तरह से आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है, यानी कि एक तरह से कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, एक तरह से सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब, मतलब हर तरह से कोशिश कर रही हो ढूंढने की, बट वो आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, आप अपने सवालों के जवाबों को नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा, जो मन आपको कह रहा है, जो आपके थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, उन चीज़ों को रोकना होगा, और जहाँ आपके थॉट जहाँ ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी जिस चीज़ पर कर रहे हैं, जिस बात पे कर रहे हैं, जिस कंडीशन पे कर रहे हैं, या फिर कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरी पे कर रहे हैं, या आपके पर्सन को लेकर के आपकी मेमोरी यानी कि आपके थॉट वहाँ पर एक तरह से जम गए हैं, या फिर कहूँ कि अटैच हो गए हैं, तो वहाँ से उन चीज़ों को एक तरह से वापस खींचना है, यानी कि एक स्टेप आपको वापस लेना है। यानी कि अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको रुकना है और एक शांत एनर्जी में बैठना है और फिर ये रियलाइज़ करना है कि आपके अंदर ये जो थॉट चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं और क्या इनका रीज़न है। कुछ एनर्जी जो है वो इस तरह की बनी हुई है कि आपको डाउनलोड भी हो रही है, यानी कि आप दूसरों की एनर्जी को भी फील कर पाओगे। यानी कि ये जो टाइम रहेगा, खास करके अब जो टाइम आने वाला है, वो एनर्जी ऐसी रहेगी कि इस टाइम पर आपको बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो जो ऐसी सोल है
जो इस 3D लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं बट वो हमको दिखाई नहीं देती हैं, वो सोल हम सभी पर हावी होंगी। यानी कि एक तरह से हम सबको वो अपना हमारी जो हमने जो अभी तक जो हमने पॉजिटिव एनर्जी को ग्रेन किया है, उसे इम्प्रूव किया है, उस एनर्जी को पाने के लिए हमें बार 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 हमें एक नेगेटिव एनर्जी में या एक ऐसे लूप में लेके आएंगी जहाँ हम एक तरह से लो वाइब्रेशन में जाएं। तो उससे बचने के लिए आपको एक बार ये सोचना ज़रूरी है, 24 घंटों में एक टाइम ऐसा निकालें, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आप निकाल पाओ, यानी जितना आप टाइम दे पाओ अपने लिए, तो वो सब निकालना है और उसमें अपने आप को बैलेंस करना है और सोचना है कि आपके अंदर ये अजीबोगरीब थॉट क्यों आ रहे हैं। और कुछ आपको ऐसे एक फियर सा बना हुआ है, एक अजीब सा फियर सा, जैसे कि कुछ आपसे छूट रहा है, जैसे कोई आपसे कुछ लेके जाने वाला है, या फिर कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कुछ ऐसे ही मतलब आपके थॉट बने हुए हैं, यानी कि आपको एक तरह से फियर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। तो सबसे पहले ये कहूँगी कि ये जो आपका थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड का गेम है और ये उन एनर्जियों का गेम है जो इस टाइम एग्जिट कर रही हैं। और आने वाले यानी कि फुल मून के बाद जो नेक्स्ट डे होगा, उस दिन से हम सभी को इन एनर्जियों के संपर्क में आना होगा, जिसे हम सभी बोलते हैं श्राद्ध वगैरह बोलते हैं। तो इस वजह से ये जो टाइम होता है, इसमें सभी एनर्जी एक तरह से फ्री एनर्जी होती है और इस एनर्जी में आपको आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन भी मिलेंगी। साथ में अगर जो प्योर सोल हैं, जो अच्छी सोल हैं, वो आपसे कनेक्शन बनाएंगी, वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगी। थोड़ा सा समझ के साथ चलना है कि क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, इन सब में अपने आप को एक तरह से बैलेंस करके चलना है और अपने आप को अब्जॉर्ब करना है। यानी कि ये जो आपके अंदर एनर्जी बन रही है, इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है, यानी कि अब्जॉर्वेशन के मोड पर आना है आपको। यानी कि अपने आप को फील करो कि आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी सोल में चल क्या रहा है। तीनों चीज़ों को डिफरेंट करो, यानी डिफाइन करनी है। माइंड क्या कह रहा है, माइंड को सुनो, सोल क्या कह रही है, सोल को सुनो, और बॉडी आपको क्या सिस्टम, यानी कि आपकी बॉडी आपको क्या दिखा रही है, क्या साइन दे रही है, उसको समझने की कोशिश करो। दूसरा, कुछ डिवाइन फेमिनाइन आपके साथ, यानी 2 दिन से या 3 दिन से, ये जो 3 दिन निकले हैं, इन 3 दिनों से आपके साथ एक कंडीशन बहुत अजीब हो रही है और आप नहीं समझ पा रही है कि ऐसा क्या, किसके क्यों हो रहा है, और जिसके भी साथ हो रहा है ये सब, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, ताकि मैं इसके बारे में आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी। बट मैं अभी यहाँ पर उसका बताने वाली हूँ कि ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं, ये इसके लिए मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए। और ये जो हो रहा है वो ये कि आपको नाइट में, यानी कि 7:30 से लेकर के और 8 के बीच के जो ये टाइम है आपका, यानी हम सबका जो ये टाइम है 7 से 7:30 से और 8 के बीच में, आपको एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी फील हो रही है। यानी कि आपको जो ये हार्ट है, ये हार्ट एक तरह से इतना ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अंदर ही अंदर ये हिलने लगा है, यानी कि एक तरह से अजीब ऐसा फीलिंग हो रही है जैसे कि अभी बाहर आने वाली है, जैसे कि आपकी सांसें रुकने वाली हैं, आपकी जो वृद्ध हैं, वृद्ध वो एक तरह से ठीक से नहीं ले पा रही हैं, वो रुका रुका सा फील कर रही हैं आपकी सांसें, और आपको एक तरह से घबराहट बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जबकि आप उस टाइम कुछ सोच भी नहीं रही हैं, कुछ टेंशन भी नहीं है, या फिर आप मूवी देखते हुए या फ़ोन यूज़ करते हुए, किसी से बात करते हुए, या फिर कुछ सीरियल वगैरह देखते हुए, उस टाइम आपको अचानक से ये स्टार्ट होता है। आप सिर्फ बैठे हो, आप कोई टेंशन भी नहीं ले रहे हो, कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन उस टाइम आपको ये सब हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कितनों के साथ हो रहा है, और ये मुझे ज़रूर बताइएगा। बाद में ये 10-5 मिनट के बीच तक का रहता है, उसके बाद में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, और आपको कभी कभी ऐसा फील लगता है कि जैसे कि आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम हुई है सडनली, या बीपी लो की प्रॉब्लम हुई है, बट ऐसा किसके साथ है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, लेकिन मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, बताना ज़रूरी है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक तरह से ये जो फुल मून की एनर्जी है, इस फुल मून की एनर्जी पे हम सभी की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है और डेवलप भी हो रही है। अब मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो पॉजिटिव वे में चल रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी के साथ जो भी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन वर्क कर रहे हैं, आपके साथ में सबसे ज़्यादा क्राउन चक्रा पर आपको हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील हो रहा है क्राउन चक्रा पर, और आपको हेडेक फील हो रहा है, मतलब कि सडनली आपको अचानक ही कभी कभी बीच में
हेड को होता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो रिलीज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद रिलीज हो जाता है, लेकिन सडनली फिर आ जाता है, फिर रिलीज हो जाता है, फिर आ जाता है। ऐसी कंडीशन बनी हुई है। तो जो जिनका भी क्राउन चक्रा पर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम आपकी क्राउन चक्रा पे जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनके लिए आपको करना ये है, क्योंकि आप जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो इम्प्रूव हो रही है। अब वो एनर्जी को आपको करना क्या है, इस एनर्जी को आपको सही जगह पर लगाना है, यानी कि आपने अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लिया है, अपनी एनर्जी को अब्जोर्ब ज़्यादा कर लिया है, यानी बॉडी अब उस चीज़ को एक तरह से बैलेंस नहीं कर पा रही है, या फिर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब तो कर लिया आपने, लेकिन उसे अपनी बॉडी में आप उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, यानी कि वो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आपको वो इफेक्ट करना स्टार्ट कर रही है। तो इस एनर्जी के लिए आपको करना ये है, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कुछ देर के लिए अलग से बैठ करके आपको बैठना है, एंजल्स को और यूनिवर्स को याद करना है, उनको बुलाना है और उनको ये एनर्जी सौंपनी है कि आप यूनिवर्स एंड एंजल मेरी इस पॉजिटिव एनर्जी को, जो मैंने इसको इकट्ठा किया है, जो मैंने इसको बढ़ाया है, ये मैं मानवता कल्याण के लिए मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, और ये जो एनर्जी उन लोगों को दें जो मेरे आसपास या दुनिया में या इस पूरे 3D वर्ल्ड में कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार है, या जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या जिनको आप चाहते हो कि उनके लिए ये हीलिंग और ये पॉजिटिव एनर्जी डिजर्व हो, ये एनर्जी उन तक पहुंचाएं, और उन तक ये मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी है मैं आपको समर्पित करता हूँ, और ये आप एनर्जी को उन लोगों तक पहुंचाएं। अब इससे ये होगा कि जब आप इस एनर्जी को बाहर दोगे, यानी कि जिसके लिए दे रहे हो, सबसे पहली बात आप यूनिवर्स के हाथ में दे रहे हो, तो यूनिवर्स का काम है वो किसको देंगे, लेकिन आप फिर भी आप अपना चेंट कर सकते हैं कि आप उन लोगों को लिए लोगों के लिए दें जो ज़्यादा परेशान हैं, जिनको हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब आपको ये कहना है कि अब आपको ये नहीं कहना कि मैं अपनी एनर्जी सेंड करती हूँ या करता हूँ उन लोगों के लिए जो परेशान है, क्योंकि ये इस टाइम ये कहना हम सबके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी चरम पर है और पॉजिटिव एनर्जी है वो भी चरम पर है, जो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस वजह से आपको ये एनर्जी ऐसे ही एक्सप्लोर नहीं करनी है 3D लाइफ में, क्योंकि इस एनर्जी को कोई भी अब्जॉर्व कर सकता है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या किसी को मतलब ऐसे ही बोल के सेंड कर देते हैं, तो उस एनर्जी को कोई और भी अब्जॉर्व कर सकता है। आपको नहीं पता कि उसे नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्व करेगी या पॉजिटिव। तो सबसे पहले जब भी अपनी एनर्जी को बाहर दो या आप किसी के हाथों में देना चाहते हो, सबसे पहले अपने एंजल्स और अपने यूनिवर्स को याद करें, उनको ये एनर्जी समर्पित करें, और ताकि और उनको ये भी बोल दें, अगर आपको अगर आपको DM को देनी है, या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को परेशानी है, या आप जो जानते हैं जिसकी वजह से कि कोई परेशान है, आपको मिला कोई एनीथिंग, जो भी जो आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं कि कौन परेशान है नहीं है, तो ये जो शब्द हैं जो मैंने अभी रिपीट किए, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि यूनिवर्स एंड एंजल्स मैं आपको बुलाती हूँ, प्लीज़ आप आइए, और मेरी जो एनर्जी जो मेरी बॉडी में, मेरी स्पिरिट में, सॉरी सोल में जो मेरी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, और उस एनर्जी को बैलेंस में करने के लिए मैं ये अपनी एनर्जी का ये हिस्सा मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ, और इस एनर्जी को उन लोगों के लिए दें जिनको सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है। तो आपका इससे ये होगा कि वो एनर्जी अच्छे हाथों में जाएगी, अच्छे लोगों के लिए पहुँचेगी, और आप भी बैलेंस हो जाओगे। लेकिन इसका एक और भी रिवॉर्ड है इसका, ये कि ये जब एनर्जी जिन लोगों के पास पहुँचेगी, यानी कि जिनको ये हीलिंग देगी, जिनको ये खुशियाँ देगी, जिसके लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी अच्छा ही काम करती है, ये हम सब जानते हैं। तो ये जब उसके साथ बनेगी, यानी कि उसके साथ ये बाउंड क्रिएट करेगी, यानी कि उसको वो एक तरह से फाउंडेशन क्रिएट करेगी, ठीक है, तो उस एनर्जी का जो फ्लो होगा वो उसका हाई होगा। जब जब वो खुश होगा या वो ठीक होगा, जब उसकी तबीयत ठीक होगी या उसको हीलिंग मिलेगी, तो वो खुशी में होगा, और जब वो खुश में होगा तो उसकी जो वाइब्रेशन है, भले ही आपको वो नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, बट वो जब जब वो खुश होगा, जब वो जब जब उसकी हायर वाइब्रेशन फ्लो करेंगी यूनिवर्स में या 3D लाइफ में, तो वो यूनिवर्स में फिर टकराएंगी उसकी हायर एनर्जी यानी हायर वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन वापस आपके पास आएंगी, और फिर वो आपको एक तरह से वो फ्लो देंगी, वो प्यार देंगी, वो खुशियाँ देंगी, एक तरह से आपकी लाइफ को वो
अगर आप जिस टाइम आप परेशान हैं या फिर बीमार हैं, कुछ ऐसा हुआ है, वो एनर्जी आपको फिर से आपको आएगी और वो एनर्जी आपको हील करने में आपकी सहायता करेगी। यानी कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि ताकि जब कभी तुम्हें ज़रूरत हो तो वो एनर्जी का फ्लो आपके पास आए, तो आपको भी हीलिंग मिले, आपको भी उससे प्यार मिले और आपको भी उससे खुशियाँ मिले। तो अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, यानी वेस्ट नहीं करना। आप अगर थोड़ा सा, मैं ये कहूँ कि जिनके साथ एनर्जी अच्छी बनी हुई है, पॉजिटिव एनर्जी में काम कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी में क्यों जा रहे हैं? वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को पास्ट की चीज़ों में याद करने में है, किसी और चीज़ के बारे में सोचने में या फिर कुछ ओवर थिंकिंग करने में वो वेस्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से वो उस लूप में फंस रहे हैं। यानी कि जितना उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को जिस काम में लगा रहे हैं, अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोचने में लगा रहे हो तो आपके पास नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कंडीशन आती ही रहेंगी और आप उस लूप में चलते ही रहोगे। फिर चाहे कितना भी आप मेडिटेशन करो, उसके लिए कुछ देर आपको हेल्प मिलेगी, फिर आप उसी कंडीशन में आ जाओगे क्योंकि आपने उस एनर्जी को गलत जगह पर इन्वेस्ट किया है। तो जितना हो सके अपनी एनर्जी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको वापस अगर आपके पास आए तो वो भी आपके लिए खुशियाँ, एक तरह से हीलिंग लेकर के आए। तो आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्या कहा आपसे और किस वजह से मैंने ये बातें की हैं। तो आई होप मैं आपको बहुत क्लियरली से समझा पाई हूँ। और इस टाइम जो बैलेंस हैं और जो अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम यही हो रही है कि उनका क्राउन चक्रा पर उनको हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव फील हो रहा है और इसी वजह से वो मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो वो इसीलिए हो रहा है ताकि आपको अपनी जो एनर्जी बढ़ गई है वो अब दूसरों के देने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए और आप अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी ये प्रोसेस बताया आपको, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि बैलेंस बने रहें, पॉजिटिविटी के साथ वर्क करते रहें। और इस दिनों की जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, ये एनर्जी इसीलिए शिफ्ट हुई है, लेकिन यहाँ से जो बाद जो एनर्जी चलेगी, यानी कि फुल मून के बाद जो एनर्जी चेंज होगी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो देने वाली हूँ और उस पर आपको क्या खास खास आपको ध्यान रखने चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, उस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगी। मुझे एक बार याद जरूर दिला दीजिएगा क्योंकि मैं जो मुझे चैलेंजिंग होती है वो मैं सबसे ज़्यादा पहले दे पाती हूँ और उन चीज़ों पर मैं फोकस नहीं हो पाता, यानी कि मैं नहीं दे पाती। तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, बता देना कि आपको किस किस से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, यानी कि जो ये फुल मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यानी कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेंगी और ख़ासकर वो सोल भी रहेंगी जो हम सबको दिखाई नहीं देती है, जिनको हम नेगेटिव एनर्जी भी बोलते हैं और पॉजिटिव भी बोलते हैं, और उनसे बचने के लिए और उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं, और कैसे हमें उनको समझना है, कैसे डिकोड करना है कि हमारे पास कैसी एनर्जी है कैसी नहीं है, तो इसके लिए मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा और मुझे बता देना अगर आपको ज़रूरत हो तो। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और हाँ, इतना ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी, आपके पास मैसेज, फ़ोन, कुछ ना कुछ आपका मीटिंग हुई है आपके पर्सन से, बट आपने कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइएगा कितने कितने लोग आपसे मिले हैं, आप लोगों के मैसेज भी आए हैं, कॉल भी आया है और आपकी मीटिंग भी फिक्स हुई है, और आप कुछ लोग तो मिल भी पाए हैं अपने DM से, यानी कि आपका यूनियन हुआ है। अब यूनियन का आप मतलब आप समझ गए होंगे कि यूनियन किस स्टेज पर हुआ है, कुछ लोगों का उस स्टेज पर भी हुआ है और कुछ लोगों का सिर्फ नॉर्मल मीटिंग भी हुई है। तो या गाइस, जो भी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।